Good morning. Yes, very good morning, students. Today we have active and passive voice. Okay. This is an extra topic apart from whatever we have given you. I thought, okay, this you have to know so that you can speak more fluently, right? Okay. So what is active and passive voice? हमेशा हम लोग जब बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ, राइट? आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हेन वी वर लर्निंग द टेंस, करेक्ट? हम लोग ने टेंस किया था, बराबर? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमने सीखा था, करेक्ट? सो नाउ हाउ डू वी डू इट इन एक्टिव? नाउ एक्टिव वॉइस, मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैं एक कार्ड रखती हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ओके प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? सो नाउ दिस इज एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ इफ आई व्हाट वी हैव टू डू इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या करना है हमको? ये ऑब्जेक्ट को यहां पर लाना है. पैसिव वॉइस में क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को यहां पर लाओगे, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को वहां पर लाओगे. फर्स्ट थिंग चेंज करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस से, तो सब्जेक्ट को वहां पर लोगे. उसके बाद में यहां पर आपको एक हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब. हेल्पिंग वर्ब व्हाट डिड वी लर्न? इस आर और एम पढ़ा था ना हमने, यस? तो हमको एक हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इस आर और एम. और किसने ये काम किया? और पैसिव वर्ब में हमेशा वर्ब थ्री ही आएगा. वर्ब थ्री पढ़ा था हमने, हमने वर्ब थ्री, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री याद है? कल भी हमने वर्ड बॉल में गेम खेला था, eat, ate, eaten, play, played, played, like that, okay? So we have V1, V2, V3, V4, V5 भी हमने पढ़ा था. और किसने वो काम किया, किसके द्वारा वो काम हुआ करके, यहाँ ये ही पैटर्न होगा आपका पैसिव वॉइस में. लिख लीजिए चाहिए तो, मैं वेट करती हूँ. सो दिस इज एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. दिस इज पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, आई मीन वी वर्ब. हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इसको, बी वर्ब भी बोलते हैं. और दिस इज द मेन वर्ब, ये दोनों ही मेन वर्ब है. यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आपका जो वर्ब हो इसमें भी रह सकता है, यू नो इट कैन बी इन वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, विच एवर फॉर्म. बट इन पैसिव वॉइस यू विल यूज ओनली बी थ्री. पैसिव वॉइस में क्या है, बी थ्री ही यूज करना पड़ेगा आपको, ओके? और यहाँ पर भी बाई करके ये सेम रहेगा. इधर जो है आपका चेंज होगा वो डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है या कौन से टेंस में है. कौन से टेंस में है कि मतलब क्या, मैं बोल रही हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है या पास्ट परफेक्ट में है, ये सब मैं आपको सिखा चुकी हूँ आपको टेंस. क्या आप लोग रोज रिवाइज कर रहे हो? आर यू गोइंग रिवाइजिंग एवरी डे? Please revise your tense every day. It will be very, very helpful for you. Okay? Right? So what now? इसको sentence के द्वारा हम समझेंगे. ये तो pattern है, subject plus verb plus object करके ये pattern है, मगर अभी हम sentence के द्वारा समझेंगे. यहाँ पे देखिए, ये subject है, मैं इसको कर रही हूँ राम. Then we have place. यहाँ पर s क्यों लगा, याद है? जब आपको मैं प्रेजेंट इनडेफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट जो है मैंने सिखाया था, यहाँ पे एस या ईएस ऐड होगा, याद है? डू यू ऑल रिमेम्बर? यस. सो राम प्लेस फुटबॉल, ओके? तो ये क्या मालूम पड़ा कि राम फुटबॉल खेल रहा है, ओके? राम प्लेस फुटबॉल. अभी मैंने क्या बोला, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर लाइए, तो राम फुटबॉल यहाँ पर आ जाएगा. तो यहाँ स्टार्टिंग में होगा तो कैपिटल में शुरू करना है. कैपिटल बिना शुरू करोगे तो सेंटेंस इट्स नॉट, करेक्शन करेंगे टीचर, जैसे मैं आपको करेक्शन करके भेजती हूँ, ठीक है ना?
ओके, सो राम प्लेज फुटबॉल, क्लियर? सो नाउ वी अगेन टर्न फुटबॉल, यहाँ पे इस आएगा, आ रहेगा, एम आएगा, क्या आएगा? बराबर बताइए, इसमें से एक चुनिए, चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ कौन सा आएगा। अंजलि सोनी जी, क्या आएगा यहाँ पे? राम इस आएगा या यहाँ पे आर आएगा या एम आएगा? अंजलि सोनी जी बोल रहे हैं इस आएगा, बराबर देखेंगे। यस, राम इस फुटबॉल इज, सॉरी, फुटबॉल इज प्लेड बाय, कौन था यहाँ पे? राम, क्लियर? फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। आजकल बहुत लोग ऐसे पैसिव वॉइस में बात करते हैं ताकि बहुत फैंसी लगे। मोस्ट ऑफ देम यूज पैसिव वॉइस बिकॉज इट शुड लुक वेरी फैंसी। दे स्टार्टेड यूजिंग, मोस्ट ऑफ देम हैव स्टार्टेड यूजिंग बाय, कोई भी चीज है ना, घुमा फिरा के बोलने से फैंसी लगती है ना। फुटबॉल राम ने फुटबॉल खेला, फुटबॉल राम के द्वारा खेला गया। ये बाय क्या डिनोट करता है यहाँ पे? द्वारा खेला गया, ओके, प्लेड बाय। यस, सबने, आंचल ने, बेबी शाह ने, सबने इस बताया है, वेरी गुड। ओके, तो अभी आप एक सेंटेंस यहाँ पर मुझे लिख के आप बताइए, अगर मैं मानो कि यहाँ पर ईट वर्ब मैं जान, ईट ईट करके वर्ब करके आप एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखिए, उसको पैसिव वॉइस में कीजिए, चैट बॉक्स में मैं देखूं कैसे करते हो। ईट आपका वर्ब रहना चाहिए, ईट, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सही है या गलत हो, मैं बताऊंगी। आप कीजिए जल्दी से, कर लिया? मैं वेट कर रही हूं, आप समझे क्वेश्चन को। ईट करके आपका वर्ब रहना चाहिए, आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आप है ना, उसका एक सेंटेंस ईट के साथ एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सेंटेंस बनाइए। प्लीज मेक अ सेंटेंस, राम ईट्स फूड। ओके, अंजलि सेज राम ईट्स फूड। अभी इसको पैसिव वॉइस में बदलिए, ये क्या हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ आपका, इसको पैसिव वॉइस में, राम एट फूड, गलत होगा ना ये? राम एट फूड क्या है? नहीं आंचल जी, राम एट फूड गलत होगा ना? अगर आपका ये राम एट फूड आपका एक्टिव वॉइस है तो ठीक है, मगर मैं बोल रही हूँ इस एक्टिव वॉइस को, जैसे अभी अंजलि सोनी ने बताया राम ईट्स फूड, इसको अभी इसमें बदलिए पैसिव वॉइस में। इसको कितने लोग बदल पा रहे हैं? जैसे मैंने बोला, पहला स्टेप क्या करोगे, आपका ऑब्जेक्ट जो है आप यहाँ पर लाओगे, सब्जेक्ट को पीछे लाओगे, बराबर? पहले वो कीजिए, तो हम करें अभी, ठीक है? आप लोग करके भेजना है तो भेजिए। अभी फूड को मैं यहाँ पर लाई, फिर राम को वहां पर ले गई, और ये बाई तो डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। अभी इसको क्या करना है हमको, ये वर्ब को क्या करना है हमको? हाँ, फूड इज ईटन बाय राम, अंजलि सोनी ने बराबर पहचाना। मगर अंजलि सोनी जी, जब भी आप नाम लिखो तो कैपिटल में लिखो, राम जो है अगर बीच में भी आएगा तो कैपिटल है, तो अभी नेम है तो कैपिटल में आएगा। तो यहाँ पर क्या कहे, फूड ये कैपिटल में आएगा क्योंकि पहला वाला है फूड ईटन, तो हमने पहला यहाँ पे वी थ्री ही आना चाहिए ना, तो ये कर लिया। अभी यहाँ पर क्या करना है, इस डालना है, आर डालना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑरेंजेस है या एप्पल्स है, यहाँ पे प्लूरल आया तो यहाँ पे आर आएगा, अगर यहाँ पे ऑरेंज आएगा, ऑरेंज इज ईटन बाय, ये समझे? कब आर इधर इस आया, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पर इस आएगा। यहाँ पे मैंने ऑरेंजेस या एप्पल्स या कोई ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, यहाँ पे ऑरेंज एंड एप्पल एंड बोल दिया, यहाँ पे ऑरेंज एंड एप्पल आर, ये क्योंकि दो जी जो चीज खा रहा है राम, तो यहाँ पर आर आएगा, क्लियर? तो अभी अंजलि सोनी जी ने जो बोला था यहाँ पर फूड है, तो इसको मैं ऐसे ही बदलूंगी, फूड इज ईटन बाय राम, इज इट क्लियर? अभी अभी मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, यहाँ पर अगर मैंने ही लिख दिया तो क्या करोगे, कौन जवाब देता है? मैं देखती हूँ, मैं यहाँ पर ही लिखती, ही प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जल्दी से बताइए।
क्या लिखोगे? वापस यहाँ पर भी ही लिखोगे, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी ही लिखोगे, ऐसे होगा? बताइए। यहाँ पर मान लीजिए मैं ही कर रही हूँ, ही प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पर फुटबॉल इज प्लेड बाय, नहीं मालूम है, हिम। तो एक चीज याद में रखने का है, जैसे आपको वर्ब में यहाँ पर प्लेस प्लेड करके, यहाँ पर कोई भी वर्ब हो, 1 2 3 कुछ भी हो जाए, यहाँ पर V3 ही आएगा। जैसे कि अभी बेबी शाह जी ने बोला राम, बेबी शाह जी राम इज 8 फुट, गलत है। 8 क्या है? पास्ट टेंस में आएगा ना, सेकेंड फॉर्म है ना, V2 है। राम 8 फुट, बस राम 8 फुट होगा, इस आर सब नहीं लगेगा वहां पर। बेबी शाह जी, जैसे आंचल जी ने बताया राम 8 फुट, राम 8 फुट, तो यहाँ पर V2 है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर V2 आए तो मैं यहाँ पर V3 ही लिखूंगी, आई मीन यहाँ पर ईटन ही आएगा, मगर यहाँ पर बदलेगा, क्योंकि ये जो है V2 में है। राम हैड ईटन, फूड सॉरी फूड वॉज ईटन, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, सो फूड वॉज ईटन बाय राम। अगर इसको आंचल जी ने बताया, जो अगर मैं इसको लूंगी राम 8 फुड, तो यहाँ पे फूड वॉज, यहाँ पे वॉज क्यों लगा, इस और आर क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है V2 में है, V2 में हुआ तो यहाँ पे वॉज लगेगा, वॉज और वह। अगर फूड के बदले यहाँ पर एप्पल्स लगे तो यहाँ पर वर लगेगा, एप्पल्स वर ईटन बाय, समझ में आया? मगर ये जो है, ये V3 जो है यहाँ पर सेम ही रहेगा, V3 पास में बदलेगा ही नहीं, ये V3 बाय एंड ये जो सब्जेक्ट है, ये पैटर्न यहाँ पर बदलेगा नहीं, और ऑब्जेक्ट भी बदलेगा नहीं, बदलेगा तो सिर्फ यहाँ पर, जो कि आपके टेंस के ऊपर, यहाँ पर क्या वर्ब है उसके ऊपर निर्भर है, उसके लिए आपका टेंस आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। अगर पास्ट टेंस आया तो वॉज वेर यूज करना चाहिए, प्रेजेंट टेंस आया तो इस आर एम यूज करना चाहिए, ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। अंजलि सोनी ने बताया ऑरेंजेस आर ईटन बाय बॉयज, अगर आपका बॉयज जो है सब्जेक्ट है तो आप ऐसा लिख सकते हो, मगर यहाँ पर ही आया, अभी मान लीजिए यहाँ पर शी आया तो क्या लिखोगे? यहाँ पर शी आया तो क्या है, शी प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल यहाँ पर, अभी ये छोड़ दीजिए, अभी ये इसको समझेंगे हम, प्रोनाउन, इसको ही बोलते हैं प्रोनाउन, नाउन के बदले जो इसको डालते हैं। अभी बार बार देखिए, राम इज गुड बॉय, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज ईटिंग, राम इज गोइंग, जब देखो राम राम, मैं नहीं बोल सकती हूँ ना, कि राम के बदले मैं क्या लगाऊं, उसका जेंडर लगाऊंगी, ही शी करके, उसको ही बोलते हैं प्रोनाउन, नाउन के बदले लगने वाले को ही प्रोनाउन बोलते हैं। नाउ लिसन दिस, शी आएगा तो यहाँ पर ये हिम नहीं आएगा ना, तो क्या आएगा, शी प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय हर, शी बन गया हर। तो जब भी प्रोनाउन आया तो सावधान रहिए, आपको यहाँ पर जो आया उसको सब्जेक्ट को प्रोनाउन के हिसाब से बदलना है, क्लियर? जैसे कि आप यहाँ पर लिख लीजिए, ही बन जाएगा हिम, शी बन जाएगा हर, वी बन जाएगा अस, आई बन जाएगा मी, दे बन जाएगा देम, यू बनेगा यू ही, और जैसे राम बनेगा, नाम तो बदलेगा ना, राम तो राम ही बनेगा ना, राम थोड़ी श्याम बन जाएगा, क्लियर? सो दिस वन यू हैव टू नो हाउ टू चेंज द प्रोनाउन। एनीथिंग एल्स? एनी डाउट्स? यस, लिख लिया, मैं हटा दूं इसको, तो व्हाट विल यू डू इज, आप लोग ऐसे क्या बोले गए, ऐसे वर्ड्स बनाएंगे और मुझे भेजोगे। यहाँ पर और एक बात ध्यान में रखिए, अभी मैं यहाँ ये हटा रही हूँ आपको बताने के लिए, दे आएगा,
तो डे आएगा तो यहाँ पे प्लेस आएगा क्या? हमने क्या सीखा था टेंस में? क्या सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनाइट में? क्या सीखा था? क्या सीखा था? यहाँ पे एस नहीं आएगा, दे प्ले फुटबॉल आएगा, बराबर। दे प्लूरल आएगा तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, याद है आपको? यस, ज्योति कुमारी जी बोल रहे हैं, हाँ बराबर। दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय, दे के बदले क्या आएगा यहाँ पर? देम। यहाँ पे पढ़ा था ना अभी हमने, दे के बाद देम आएगा तो यहाँ पर दे बन जाएगा देम, क्योंकि क्या है दे? क्या है? प्रोनाउन है। क्लियर? तो आपको मैंने फ्लैश कार्ड एक्टिविटी से इतना अच्छी तरह समझा दिया है, अभी आप लोग सेंटेंस मुझे भेजिए। ओके, एक पांच सेंटेंस कोई डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स लीजिए। अभी यहाँ पे मान लीजिए मैंने प्ले लिया है, आप ईट लो, रन लो, वॉक लो, कोई भी वर्ब ले लीजिए और आप लोग करके देखिए। एनी डाउट्स बेबी शाह जी, समझ में आ गया अभी? यस यस, आई बन जाएगा, आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज बीन इज प्लेड बाय मी। क्लियर, दैट्स ऑल। ओके, सो आज लास्ट सेशन है हमारा। आपको वर्ड वॉल में मैं एक गेम, आपको प्रिपोजिशन, आपको कैसा पिक्चर्स के साथ मैं समझा के आज मैं वाइंड अप करने वाली हूँ सेशन को। तो अभी आपको मैं आंसर्स बताऊंगी, फिर बाद में हम एक उसी पर एक गेम खेलेंगे, आप देखिए कैसा करना है। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपकी? आप एक्टिव और पैसिव वॉइस, यस हाँ तो हाँ बोलिए, यस बोलिए। शैल आई गो टू द गेम? आज भी एक वर्ड वॉल गेम खेलेंगे, राइट? तो यहाँ पर मैंने प्रिपोजिशंस पर मैंने एक गेम बना के रखा है, पहले आपको मैं समझाऊंगी फिर बाद में आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसा करते हैं, राइट? यहाँ पर देखिए, द टॉल मैन इज स्टैंडिंग डैश मी। अभी टॉल मैन इज स्टैंडिंग डैश मी, यहाँ पर पिक्चर में क्या बता रहे? देखिए, टॉल मैन इधर एक छोटा आदमी है, ये टॉल मैन है, इसके सामने खड़ा है, तो सामने को हम क्या बोलते हैं? इन फ्रंट ऑफ, आई मीन सॉरी, इन फ्रंट ऑफ, टॉल मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी करके आप बताओगे। फिर शी जंप, जब भी आप है ना अंदर जंप करते तो इन तो बोलोगे, ओके? बहुत डीप अंदर, तो शी जंप इन टू द स्विमिंग पूल, इन नहीं लोगे, इन तो सिर्फ अंदर, तो भीतर ऐसे जब बोलना चाह रहे हैं तो इन टू यहाँ पर आएगा, शी जंप इन टू द स्विमिंग पूल, द ट्रेन अराइव्ड डैश, जब भी समय बोलते हो कि वो स्पेसिफिक समय है, ओके? स्पेसिफिक समय तो आप है ना उसको आप लोग एट ही बोलोगे, अगर आपको कोई महीना बोलना है या साल बोलना है या सीजन बोलना है, जब आप इन यूज करोगे, ओके? डेट्स जब बोलोगे, जब तारीख या डेज बोलोगे, जब ऑन का प्रयोग करोगे, यहाँ पर एट ही प्रयोग करोगे। द ट्रेन अराइव एट 14 आवर्स, ओके? ये 24 आवर क्लॉक है, 14 आवर्स मैंने यहाँ पे लिखा है। माई बर्थडे इज, कहाँ पर क्या लिखोगे यहाँ पर? माई बर्थडे इज 10 अगस्त, ओके? मंथ आएगा तो इन डालोगे, साल ईयर आएगा तो इन बोलोगे, माई बर्थडे इज अगर के आप इन अगस्त जैसे, ओके? शी इज हाइडिंग, हाइडिंग है कहाँ पर छुपी है? पेड़ के पीछे छुपी है, तो बिहाइंड, सो बिहाइंड, पेड़ के पीछे बिहाइंड। द कैट इज डैश, कैट कहाँ पर है? नीचे है, अंडर, क्या बोलोगे आप? अंडर द टेबल, देखिए यहाँ पे अंडर। दे डांस, डांस कहाँ पे कर रहे हैं? पूरा घूम के कर रहे हैं, ऐसे घूम के करने को अराउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओके, सो
क्लॉक इज डैश द सोफा, क्लॉक कहाँ पर है? सोफा के ऊपर है। जो भी चीज टच नहीं कर रही है उसको ही अबव बोल रहे हैं। टच करती है तो ऑन बोलेंगे, टच करती है तो ऑन बोलेंगे, टच नहीं कर रही है मगर ऊपर है तो क्लॉक इज अबव द सोफा। राम इज स्टैंडिंग डैश, राम कहाँ पर खड़े हैं? सीता और लक्ष्मण के बीच में खड़े हैं यहाँ पर, तो राम स्टैंडिंग बिटवीन। जब भी दो लोगों के बीच में खड़े हो तो बिटवीन बोलोगे, बहुत लोगों के बीच में खड़े हो तो अमांग बोलोगे। और यहाँ पे ही थ्रू द वॉल टूवर्ड्स, मेरी तरफ उसने डाला है तो टूवर्ड्स। तो मैं सबमिट कर रही हूँ आंसर्स को, तो क्या है सब लोग करेक्ट आ रहा है? गुड, गेम कंप्लीट। अभी इसी गेम को हम लोग दूसरे क्विज की तरफ खेलेंगे, ओके? राइट? अभी क्विज की तरह खेलेंगे हम। चलिए, अभी आंसर्स आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। दूसरा ऑप्शन नहीं, ठीक है। कैट इज डैश द टेबल, इसमें से कौन सा आएगा? चैट में टाइप कीजिए। बिहाइंड नहीं है बेटा, किरण वर्मा जी बिहाइंड नहीं है। ऑप्शन अंडर, बराबर, अंजलि जी, सब अंजलि सोनी अंडर है। ओके, वेरी गुड। फिर दूसरा, अभी हम जाएंगे द टॉल मैन स्टैंडिंग, बताइए। करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है, इन फ्रंट ऑफ। अगला सवाल पे जाएंगे हम। माई बर्थडे इज डैश अगस्त, कहाँ पर आएगा? अराउंड अगस्त या इन अगस्त? करेक्ट, ए, इन अगस्त। उसके बाद द क्लॉक, क्लॉक कहाँ पर है? अबाउ, यहाँ पे देखिए ऊपर है, सोफा के ऊपर, टच नहीं कर रहा है सो अबाउ। बिटवीन, करेक्ट, ए, बीच में खड़े हैं राम जी। हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। साइडिंग पीछे है, बिहाइंड, तो बिहाइंड। जंप इन टू, अंदर, इन टू, इन नहीं छोड़ोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोग बहुत बढ़िया बोल रहे हो। क्या है? टूवर्ड्स, यस, वेरी गुड। द ट्रेन अराइव्ड कब? इनकी है, समय बोलोगे तो ऐड करते हैं। यस, बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, वेरी गुड। ये क्या है? करेक्ट, आराम, सी ऑप्शन सही है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोग ने देखा कैसे आपने बहुत बढ़िया आंसर किया सब लोग ने। यस, वेरी गुड। इज माई वॉइस क्लियर नाउ सर? कार्तिक सर, यू कैन नोट डाउन की। ओके, सो वी विल हैव यहाँ पे प्रीपोजिशन भी, आप लोग को देख लीजिए। जब भी कोई चीज ऊपर हो तो ऑन बोलोगे, नीचे टच कर रही है तो अंडर बोलोगे, अंदर है इन, पास में है तो नेक्स्ट और बिसाइड, और ऊपर है मगर टच नहीं कर रही है। यहाँ पर देखिए टच कर रही है तो यहाँ पर ऑन है, ऊपर है, जैसे कि अभी हमने देखा था क्लॉक कैसा था, ऊपर था, तो इसको ही बोलते हैं अबाउ। यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस, यहाँ टच कर रहा है तो ये अंडर है, टच नहीं कर रहा है, जैसे कि सोफा के अंदर बॉल चला गया, बिलो, यहाँ पर हम सोफा के बिलो मेरा चप्पल जूते पड़े हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, तो यू विल यूज बिलो, यू विल, ओके, बिटवीन।
दो लोग के बीच है तो बिटवीन, बहुत सारे लोग के बीच में तो अमाउंट। ओके, द बॉल इज अमाउंट द बॉक्सेस, यस, इन फ्रंट ऑफ, के सामने। अभी जैसे हमने देखा था एक लंबे आदमी के सामने, एक लंबा आदमी एक छोटे आदमी के सामने खड़ा था। बिहाइंड यानी कि पीछे, नियर पास में, फार अवे दूर, ऐसा। अभी ये सब जो है यहाँ पर देखें, इनटू क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर क्यों, ये ऑलरेडी अंदर है और यहाँ पर मैं इमोशन में है, जब भी मूवमेंट में है तब आप ऑन टू बोलोगे, वैसे ये मोशन में है। ऑफ, टेक ऑफ द ड्रेस, टेक ऑफ द बॉल फ्रॉम द बॉक्स, ऑफ, मूवमेंट में है तो ऑफ बोलोगे, ओ एफ नहीं ओ एफ एफ बोलोगे। ये देखिए मूवमेंट में है, अंडर, बॉल जो है सोफा के अंदर से गुजर के बाहर चला गया, ऐसा। सो यहाँ पे ओवर, जैसे कि एरोप्लेन छत के यहाँ पर, ओवर हमारे छत के यहाँ पे रोज एरोप्लेन ओवर जाता है। अराउंड, जैसे हमने देखा था कैंप फायर में कैसे अराउंड जा रहे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट निकालो ना, मेरे को थोड़ा सा नट्स जो है मेरे बॉक्स से निकाल के दो। आउट, टेक सम नट्स आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, इनटू, पुट सम नट्स इनटू द बॉक्स। ओके, थ्रू यानी कि किसी चीज से अंदर से गुजरना। अवे, टूवर्ड्स, अभी हमने देखा था, अवे तो यहाँ से फेंको बॉल, यहाँ से उधर उधर फेंको, मेरी तरफ फेंको। अलोंग, ओके, अलोंग मेरी, माय, आई वॉक अलोंग विथ माय फादर, उनके साथ मैं चली। अक्रॉस, पार करके जाना, अक्रॉस द रोड, ठीक है। तो ये सब समझ में आया आपको, लिख लिया आपने हिंदी में जैसे मैंने बोला, यस। नाउ ये जो है टाइम को डिनोट करता है, इन, ऑन एंड एट। आप ये भी लिख लीजिए, जब भी हम मंथ्स के बारे में, ईयर, सीजन, पीरियड ऑफ डेज, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, यहाँ पे अच्छी तरह नोट कीजिए, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग को ही हम लोग इन यूज करेंगे, मिडनाइट नाइट को एट यूज करेंगे। यू विल नॉट से इन नाइट, एट नाइट ही आपने बोलोगे, बराबर। तो आपको कहाँ पर इन यूज करना है, मैंने टेबल जैसे फॉर्म कर दिया ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ऑन कहाँ पर, डेट्स पे, जैसे एक तारीख, माई बर्थडे इज ऑन 23rd August, ऐसे बोलोगे। माई बर्थडे, जब सिर्फ महीने का यूज करोगे तब माई बर्थडे इज इन ऑगस्ट, तब ऑन नहीं यूज करोगे, जब तारीख के साथ आप बोल रहे हो तब ऑन यूज करोगे। डेज, फेस्टिवल कोई भी, अभी ऑन रामनवमी इज माई बर्थडे टू करके ऐसा बोलना। स्पेशल डेज जैसे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तब भी ऑन माई बर्थडे यू ऑल कम वील हैव फन, तो ऑन बर्थडे एनिवर्सरी सब जब ऐसे डे स्पेशल डेज का जिक्र कर रहे हो तब आप ऑन यूज करोगे। प्रिसाइज टाइम, प्रिसाइज टाइम का क्या मतलब है कि करेक्टली 2 बजे तुम आ जाओ, एट 2 o'clock, कम एट 2 o'clock, अराउंड 2 o'clock, तो आस पास में 2 o'clock के आसपास तुम आ जाओ, मतलब है। पीरियड ऑफ डेज, पीरियड ऑफ डेज जैसे कि आपको एट संडे, मंडे, नाइट, बेड टाइम, मिड नाइट, नून, सनराइज, सनसेट, वीकेंड, ऐसे सबको ऑन एट बोलोगे आप। आई विल कम एट वीकेंड, ओके, ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसे एट बोलते हैं, या अमेरिकन इंग्लिश इन वीकेंड भी बोलते हैं। ओके, माइट, नून, एट नून, एट नून वी शैल असेंबल नियर द पार्क, वी शैल असेंबल एट रानीज हाउस एट नून, ऐसे सब आप सेंटेंस करके। सो प्रिपोजिशंस भी आपको मैंने इन डेप्थ नहीं तो भी थोड़ा बहुत आपको दे दिया है, जो कि ये स्पोकन इंग्लिश के कैटेगरी में आएगा, फिर भी आपको मैं, आप इसमें बहुत गलती कर रहे हो करके, आई हैव गिवन यू व्हाट एवर इनपुट इज टू बी गिवन। ओके, ऑल राइट, दैट्स ऑल, सो वील वाइंड अप द सेशन टूडे। यस, राम गोपाल जी सर, यू कैन ऑल्सो से और विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज प्रैक्टिस ऑल दिस, वॉट एवर इनपुट आई हैव गिवन यू, डोंट जस्ट कीप इट इन द बुक एंड से ओके इंग्लिश क्लास इज ओवर, आई विल नॉट डू इट, देयर्स नो होमवर्क। आई डोंट हैव टू गिव यू होमवर्क, यू कैन गिव होमवर्क टू योर ओन सेल्फ।
आप खुद अपने आप को होमवर्क दे सकते हो कि आज मैं है ना ये इनके ऊपर प्रैक्टिस करूंगी कि मुझे आता है कि नहीं, आज मैं पैसिव वॉइस करूंगी, आज मैं टेंस करूंगी करके आपको आपको खुद होमवर्क देके रोज 15 मिनट आपका पूरा काम खत्म करके रात में आपको टाइम मिलता है तो रात में, या बच्चों को स्कूल भेजने के बाद टाइम मिलता है तो वहां उस टाइम बैठिए, मगर मेक श्योर एवरी डे 15 मिनट्स यू स्पेंड टाइम, गो थ्रू द नोट्स, गो थ्रू द यूट्यूब चैनल, वॉट एवर वी विल सेंड यू द लिंक्स, गो थ्रू वेन एवर यू हैव डाउट्स, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस इन द ग्रुप, ओके, यू कैन रीच आउट टू अस इन द ग्रुप एंड यू कैन आस्क अस डाउट्स इफ यू हैव एनी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू एनीथिंग अबाउट इट, all the learning will go waste, so you need to practice every day 15 minutes and speak to yourself and इस ग्रुप में जो भी लेडीज हैं आप लोग एक ग्रुप बना लो आपके लिए और उसमें चैट कीजिए, रोज इंग्लिश में चैट कीजिए, क्यों आप सब सीख रहे हो तो आप लोग ऐसे ग्रुप बना के प्यार से इंग्लिश सीखिए एक दूसरे से, ओके राइट, जो भी इंटरेस्टेड है ग्रुप बनाइए आपके लिए और उसमें आप रोज बात कीजिए, कौन आपको ये करने वाला है, और कभी भी कोई भी ग्रुप में आप हो तो ग्रुप का डेकोरम मेंटेन कीजिए, अगर आप वो टेक्स्ट कर रहे हैं और आपने उस चीज के लिए ग्रुप बनाई है कि एक दूसरे का डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए, तो उसमें वर्ड्स लाइक इट्स इरिटेटिंग, डोंट टेक्स्ट सो मच, ये सब वर्ड्स जो है अवॉइड कीजिए, क्योंकि हमने ग्रुप इसीलिए क्रिएट किया है कि आप लोग सीख सके, तो ऐसे सब ग्रुप में आप लोग, अगर आप लोग ग्रुप क्रिएट कर रहे हो आपका भी, तो ऐसे अगर आपको पहले से इरिटेट होता है तो ऐसे ग्रुप में मत ज्वाइन कीजिए जहां पे आपको इरिटेट फील हो रहा है, क्लियर, सो कोई एक एडमिन बन लो, बेबी शाह जी या अंजलि सोनी जी आप चाहिए तो हमारे ग्रुप में आप कर सकते हो, या तो दूसरे ग्रुप में आप रोज भी आपके एक दूसरे से आप लोग चैट में बात कीजिए, सो कीप मैडम टॉकिंग टू ईच अदर, मैडम यस यस मैडम राम राम गोपाल गोपाल सर, या मेरे को वही लगा कि बिना उसका मीनिंग पता चले ही वो टाइप कर दिया बोल के, नेक्स्ट डे क्लास में ही मैंने उन लोगों को समझाया कि अगर आप लोगों को कुछ मीनिंग पता चलना तो वो इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेट करके डाल दीजिए, आप डायरेक्टली ऐसा मत डाल दीजिए ग्रुप में ऐसा ऐसा वर्ड्स बोल के हैं। इट्स नॉट ग्रुप में, अगर हमको मीनिंग मालूम है तो भी हम कितने भी बड़े हों हाँ हमको ऐसे यस सब वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए जहां पर ग्रुप में है, क्योंकि दैट इज नॉट अ प्रॉपर मैनर्स, द डेकोरम इज नॉट मेंटेन, ओके लेट्स नॉट डिस्कस ऑन दिस, यस यू कैन टेल एंड देम देयर वर्ड्स काइंड वर्ड्स अबाउट व्हाट मैडम दे शुड डू, मैडम बिफोर कंक्लूडिंग कैन वी हैव ए ग्रुप फोटो? कार्तिक कैन वी टेक ए ग्रुप फोटो ऑन द फाइनल डे? I कार्तिक आर यू can't देयर? turn on my camera, sir, because we'll ask them to join maybe tomorrow for a group photo because we are not informed them. ओके So I don't think we can do that because my camera setting also is not in that way. So we can ओके make a collage. Otherwise, all of them send a photo. We can make a collage also, or tomorrow we can ask them to come for a group photo. ओके Okay? Yes, sir. You ओके can tell them about your. You know, whatever you want to instruct them regarding your computer science. And that's all from my end. All the best, students, from my end. All the best. Take care. Please give me your feedback how you enjoyed the entire journey. हिंदी में भी बोल सकते हो आप, इंग्लिश में भी, अंजलि सोनी, बेबी शाह, भारती देवी, प्रीति, आप लोग अनम्यूट करके बोलिए आपको ये पूरा सफर कैसा लगा. यस कार्तिक सर, काइंडली अनम्यूट, अलाउ अनम्यूट. यस हेलो यस हेलो, यस अंजलि सोनी जी सुन रहे हैं, बोलिए. हाँ यस मैम, आपका क्लास बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस क्लास, इसमें आपको सीखने को मिले और बहुत जानकारियां मिली. यस मैम, वेरी नाइस एंड वेरी नॉलेजेबल क्लास. ये भी आई एम है, वेरी हैप्पी. यस मैम, क्लास बहुत अमेजिंग था, हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था मैम, लेकिन आज से हम लोग अकेले ही चैट करेंगे.
मैम आप रहेंगी ग्रुप में ना? ऑलरेडी ग्रुप में हूँ अंजलि सोनी जी, मैं भी ग्रुप में हूँ, मगर आप बार बार टाइप करते हो सेंड इट टू मैम, सेंड इट टू मैम। मैं ग्रुप में हूँ आपके ग्रुप में। यस मैम। यस कुछ आपको पता सर, यू कैन क्या टेक ओवर सर? कल से नहीं क्लास चलेगा? नहीं चलेगा, क्लास नहीं चलेगा कल से, आज से हम खत्म हो गया। आज लास्ट डे है क्या मैम? मैम अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसे हम लोग को अच्छा लगता था। हम लोग का आदत बढ़ गया था 11 से 11 से 2 12 तक हम लोग अपना जुड़े रहते थे। आप बात कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो सर बात कीजिए, इसका क्या करना है, बाकी लोग को भी मौका देना है ना हमको। यस मैम, यस मैम, करना है तो आप सर से। यस मैम। एंड और एक चीज है, आप लोगों को कैसे तो भी ये आदत पड़ गया, राइट? सो ये हाँ, सो आदत कैसे तो भी पड़ गया, राइट? सो हर रोज ये 11 से 12 बजे आप यही आदत कंटिन्यू कर लीजिए। यू ठीक है, ये 11 से 12 बजे सारा काम खत्म करके 11 से 12 बजे के बीच में बैठ जाते हैं। यस, 11 बजे से 12 बजे तक ये मेरा टाइम है। देखिए जिंदगी में, जिंदगी में एक ही चीज हमको ऑल द टाइम पता चलना चाहिए कि ये मेरा टाइम। ओके, आप किसी का बेटी होने दो, किसी का माँ होने दो, नहीं तो किसी का सासू माँ होने दो, हूएवर यू आर, ओके, कोई भी होने दो, हर आदमी के लिए कुछ मी टाइम बोलते हम बोले तो वो टाइम अपने लिए भी समय मेरा निकालना ही, हाँ वो टाइम मेरा ही है। वैसा ये 11 से 12 बजे तक आपको कैसे तो भी आदत पड़ गया है, राइट? सो घर वालों को भी बोल दीजिए दैट इज इट्स माय टाइम, मी टाइम, ये मी टाइम में मैं सिर्फ पढ़ूंगा, जो मैंने आज तक पढ़ा है, एक दो महीने से मैं पढ़ रहा हूँ, वो कंटिन्यू करूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। एंड कुछ कुछ मेरे को भी जिंदगी में तरक्की करना है। ओके, तो ये प्रोग्राम आप इसीलिए कर रहे हो कि जिंदगी में कुछ तरक्की करने के लिए, राइट? एंड आप लोग आपका आप किसी से भी हमको पता चले कि ये लोग ऐसा आगे बढ़ गया बोले तो वी आर द फर्स्ट पीपल टू फील हैप्पी। ओके, हम कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ लोगों को कुछ अच्छा किया एंड वो यूटिलाइज करके आगे बढ़ रहा है, राइट? सबसे ज्यादा खुशी टीचर को ही मिलेगा। सर मुझे एक क्वेश्चन मेरा। यस पूछिए सर, मुझे सॉफ्टवेयर चढ़वाना था, मेरा विंडो 7 है। हाँ, तो इस समय कौन सा विंडो चढ़वाएं सर सॉफ्टवेयर? विंडोज 7 भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज अभी तो विंडोज 10 विंडोज 11 भी चल रहा है। सो अगर आपको करना है तो विंडोज 11 भी कर सकते हो। यस सर, नो सर, वो 7 में जो है ना कुछ फंक्शन नहीं दे रहा है। ओके, सो आप विंडोज 7 के बाद विंडोज 8 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया। ओके, सो आप नजदीक का कुछ सॉफ्टवेयर डालने वाले सेंटर्स जो रहते, राइट, वहां पे जाके उन लोगों से पूछे तो आपका जो भी सिस्टम है, राइट, उसमें वो विंडोज विंडोज डाल के देगा। वो विंडोज 11 भी आप ले सकते हो। विंडोज 11 इज द लेटेस्ट, कुछ लेटेस्ट जैसा है वो आप कर सकते हो आपका सिस्टम में। okay, नहीं तो विंडोज 10 ले सकते हो। सर हम लोग जो असाइनमेंट बना के भेजे थे वो वर्क हम लोग का सही था? हाँ, यस सर, मैंने भी भेजा था मेल में। यस सर, बेबी शाह मैंने देखा था, बेबी शाह का देखा, अंजलि का भी देखा था। एक्सेल सही किए थे, बट अभी भी आप लोग ये वर्ड डॉक्यूमेंट जो भी है, राइट, वो वर्ड डॉक्यूमेंट में और आप और काम करना है आप लोगों को। यस सर, एक्सेल आप लोग भी भेजे थे ना, सब सही भेजे आप लोग,
वैसे ही आप कंटिन्यू करते रहिए, अगर कुछ डाउट भी आ गया तो हमारा हमारा ग्रुप जो भी है राइट, वो ग्रुप वैसे ही रहेगा, एंडो ग्रुप में आप आपका डाउट जो भी है वो पूछ सकते हो, एंड हम आपको आंसर्स भी वहीं पे देते रहते हैं। सर आगे का ग्रुप में मेल कर सकते हैं ना? हाँ, मेरा मेल आईडी एंड मेरा नंबर, ग्रुप में मेरा नंबर भी है, आप लोगों को कुछ डाउट आ गया कॉल करना तो आप पूछ भी सकते हो, मेल भी कर सकते हो, मैं मेल मेल देख के आपको रेस्पॉन्ड कर लेता हूँ। ओके सर। ओके okay. तो सर ईमेल जो हम लोग भेजे थे वर्ड डॉक्यूमेंट्स वो सही है कि नहीं? जहाँ भी मिस्टेक हो उसका सर हम लोग को ट्रेन कीजिए कि नहीं यहाँ यहाँ गलत। हाँ यस सर, मैं देखा इसीलिए बोल रहा हूँ, ये वर्ड डॉक्यूमेंट जो भी आप भेजे थे राइट, वो उतना करेक्ट नहीं है एक्चुअली। ओके जी अगर आपने नहीं तो बेबी शाह ने जो भेजा था वो वर्ड वर्ड में हम कुछ बनाना है तो वर्ड में करना। आप बेबी शाह ने जो भेजा मैंने देखा था वो स्क्रीनशॉट जो भी है वो वर्ड में पेस्ट करके मेरे को शेयर किए थे, वो मेरा एक्सपेक्टेशन वैसा नहीं है, वो पूरा स्क्रीनशॉट के अंदर जो भी है ना वो सब यस आप वर्ड में ही बना के देने का है। सर। ओके सो आप वर्ड में ही कैसा एक टेबल बनाना, नहीं तो कैसा एक इमेज इमेज लेकर आना, कैसा कुछ सेंटेंस फॉर्म करना, वो वर्ड में आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपको तो ये फॉन्ट साइज एंड अदर चीजें जो भी है ऑलरेडी आप लोगों को आ गया, बस एक जी ये टेबल कैसा प्रिपेयर करना, आधार कार्ड हमने किया था राइट, वो आधार कार्ड कैसा करना, द नेक्स्ट सर मैंने आप पर कार, आधार कार्ड भेजा था आपके ईमेल यस पर यस आपने सर। आधार भेजा था, एंड आपने आपने ये भी भेजा था कार पार्किंग का भी भेजा था, एंड वो कार सर पार्किंग एंड आधार में मैंने इवन हॉस्पिटल का भी भेजा था आपने, मैंने बोला राइट आपको ये जो भी लेफ्ट साइड राइट साइड जो कोलंस है वो सही किए तो अदर थिंग जो भी है वो सही किया था आप। हमने किया था सर, सही था मेरा। हाँ यस वही बोल रहा हूँ, आप सही किए थे, बट ये लेफ्ट इंडेंट जो बोलते साइड राइट, पूरा लेफ्ट लेना पूरा राइट लेना वो थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो गया आपका, बस उतना ही, बट बेसिक जो भी है राइट वहां तक आप लोग करेक्ट कर दिया, ये छोटा छोटा चीजें जो है आप स्लोली स्लोली भी सीख सकते हो, इसीलिए मैंने उसके ऊपर वो छोटे छोटे चीज के ऊपर उतना जान नहीं दिया, क्योंकि नहीं पहले सर, दिन से अगर इसलिए आप तो हम लोग को डाउट। आप अगर मैं ऑब्जर्व किए तो पहले दिन से अभी तक आप बहुत तरक्की किए थे वर्ड एंड एक्सेल में भी। ओके सो अगर आप और भी प्रैक्टिस किए तो और भी तरक्की करेगा सर और भी मुझे सीखेगा सीखेगा। आधार कार्ड में जो वो ऊपर जो था ना उसे लेना नहीं आ रहा था, उसे हम नहीं ले पाए। हाँ यस 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 सर, मैं और भी कैसे? एक्सरसाइजेस आपको देते एक दो दिन में थोड़ा ये फ्री कर सर देता हमने आपको भी तो घर। आधार का भेजा था सर, देवी यस 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 शाह। या आपका आधार का सब देखा था, मैंने एक यस एक्सरसाइज भेजा था राइट, दिस इज एक सर्टिफिकेशन वो भेजा था यस राइट, सर। हाँ उसमें आप मेरे को वो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके मेरे को दोबारा भेजा था, वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, वो जो भी स्क्रीन वो पूरा आप वर्ड डॉक्यूमेंट में ही लाइन बाय लाइन वो वर्ड डॉक्यूमेंट में ही कर लीजिए बोल के, यस इतना भी कर पाए आप। सर, ओके यस सर, ओके ओके चलिए तो फिर चलिए, बाय 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 सर। थैंक यू बाय, सर। थैंक सर यू ऑल। क्लास मैम क्लास रहेगा कल? कल? नो क्लास, दैट्स ऑल वी आर वाइंडिंग अप द सेशन टुडे। आपके हेलो आपके बच्चों के साथ ऐसे ट्रेंड कीजिए, बाकी लोग म्यूट कीजिए।
पॉपिट सब बच्चों को पसंद है। अगर आपको चाहिए अभी फैट है तो ये देखिए फैट फ ट कहाँ पे है, अभी यहाँ पर है ट। तो ऐसे बच्चा जो है वर्ड्स फाइंड आउट कर सकता है। तो आप सबके पास पॉपिट रहेगा तो आप ऐसे ट्राई कीजिए बच्चों के साथ, फ आ ट फैट। ओके नाउ रेन, र यहाँ पर है, र ए डबल साउंड भी लिख के रखा है, र एन। प्रीति जी आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसे सब आप उनको ट्रेन कीजिए। तो आप ऐसे पॉपिट से रखे उनको स्पेलिंग करने से, लिखने से 10 बार ट्रेन का स्पेलिंग लिखो, रेन का स्पेलिंग लिखो, तो उनको बच्चों अच्छा पसंद नहीं करते। तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। तो जाते जाते मैंने आपको एक टिप भी दे दिया कि आप बच्चों के साथ कैसे खेल खेल में आप स्पेलिंग प्रैक्टिस करा सकते हो। और क्लास आज खत्म हो रहा है। मैं जान पा रही हूँ आप लोग सब क्लास कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, मगर हम लोग को दूसरों को मौका देना है, इसलिए वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस बैच। ओके सो इफ यू वांट फर्दर एनी क्लास और समथिंग, प्लीज कांटेक्ट शिवा सर और नागराजन सर, यू विल दे विल बी एबल टू गाइड यू बेटर। ओके दैट्स ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू डू वेल एंड कम अप इन फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग ऑल द सेशंस। ओके थैंक यू गर्ल्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बाय टू एवरीवन, बाय, हाँ बेबी विश वेरी ऑफ लक बैड, फॉर यू सर्विंग इज ऑल। मैड बाय, अपोजी। ओके बाय बाय ओके, चलिए, बाय 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 मैम, बाय 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 सर। या